हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज यानी 16 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन किया है। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये जो कार्यक्रम है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय टूवर्ड्स अ रेजिलियंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, जिसका अर्थ है परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर सतत और समतावादी भविष्य को सुनिश्चित करना है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, वैश्विक साझा संसाधन और उनकी सुरक्षा जैसे वृहद विषयों पर चर्चा हुई है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन है ये, जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति लुई एबिनादेर, गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद और कई देशों के अंतर सरकारी संगठनों के प्रमुख, 12 से अधिक देशों के मंत्री, राजदूत और 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए हैं। अब मैं आपको टेरी ऊर्जा और संसाधन संस्थान द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, जो आमतौर पर टेरी के नाम से जाना जाता है, ये पहले टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, जो 1974 में स्थापित हुआ था। ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों पर केंद्रित था, जो नई दिल्ली पर आधारित शोध संस्थान था। अब ये नई दिल्ली में स्थापित है। टेरी एक प्रमुख भारतीय गैर सरकारी संगठन है, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विश्लेषण का कार्यक्रम करता है और एक वैश्विक संस्थान है, जो एक विश्वविद्यालय को सूक्ष्म जीवों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा होती है, बीच में सब कुछ करने के लिए सीमाओं के तहत ये काम करते हैं। अपने अस्तित्व के 30 साल में टेरी ने 2600 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है। टेरी में कई 20 विभाग हैं, जिसमें कई विभाग महत्वपूर्ण हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें पृथ्वी विज्ञान और जलवायु परिवर्तन प्रभाग है, ऊर्जा पर्यावरण प्रौद्योगिकी प्रभाग है, सामाजिक परिवर्तन प्रभाग है, इसी प्रकार से जल संसाधन नीति और प्रबंधन प्रभाग है, नीति विश्लेषण प्रभाग है, और भी कई सारे ऐसे प्रभाग इसमें निहित हैं। अगर हम लोग टेरी के फाउंडेशन के बारे में बात करें, तो टेरी का फाउंडेशन सबसे पहले मीठापुर, जो कि गुजरात का एक क्षेत्र है, दूरदराज का शहर है, यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसे टाटा के इंजीनियर्स ने अपने कारखाने में डिजेलिनेशन पर ऊर्जा की भारी मात्रा में जो खर्च हो रहा था उस पर चिंता थी, उसी को निपटाने के लिए टेरी की स्थापना की गई। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा की कमी से निपटने के लिए एक शोध संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा था। JRD टाटा, जो उस समय टाटा समूह के अध्यक्ष थे, इन्होंने इस विचार को पसंद किया और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। टेरी 3.5 करोड़ रुपये में शुरू की गई थी और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस निमंत्रण पर टेरी ने 1974 में दिल्ली में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के रूप में सबसे पहले इसे इस्टेब्लिश किया, और समय के साथ साथ इसकी महत्ता भी बढ़ती गई और इसका दायरा भी बढ़ता गया, और बाद में 2003 में इसका नाम बदलकर ऊर्जा और संसाधन संस्थान नाम रख दिया गया, जिसे आज टेरी के नाम से जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिजेलिनेशन किसे कहते हैं, तो डिजेलिनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें समुद्र के पानी को या खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदला जाता है, और इसमें एनर्जी की जो वेस्टेज होती है, इसी से निपटने के लिए टेरी की स्थापना की गई थी। अगर टेरी के सिचुएशन की बात करें, तो टेरी ने सबसे पहले मुंबई में मुंबई हाउस, जो टाटा ग्रुप्स के मुख्यालय में सबसे पहले काम करना शुरू किया था, फिर 1984 में ये दिल्ली स्थानांतरित हो गया। आज टेरी के भारत और विदेश दोनों में कई केंद्र आपको मिल जाएंगे, जैसे इंडिया हैबिटेट सेंटर के मुख्यालय आपको नई दिल्ली में, दक्षिण रीजनल सेंटर बेंगलोर में, पश्चिमी रीजनल सेंटर गोवा में, फिर यहाँ पे टेरी जापान, टेरी उत्तरी अमेरिका, टेरी ग्रुप ऑफ यूरोप, कई देशों में आपको इसके मुख्यालय मिलेंगे। टेरी संस्थान के महानिदेशक राजेंद्र लाल कृष्ण पचौरी हैं, जो 2007 के नोबेल पुरस्कार सम्मानित हैं, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के भी अध्यक्ष हैं। टेरी की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लीना श्रीवास्तव को फ्रांस गणराज्य के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है और उन्हें 2007 में ऑर्डर नेशनल डू मेरिट दिया गया था।
इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि टेरी के 20 विभाग हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यही सब हैं, जिसमें नीति विश्लेषण विभाग है, सामाजिक परिवर्तन प्रभाग है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर एक टेरी यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ पे ऊर्जा और प्राकृतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन कराया जाता है। टेरी यूनिवर्सिटी 19 अगस्त 1998 को स्थापित किया गया था, और एक विश्वविद्यालय के रूप में इसको अनुदान आयोग UGC द्वारा 1999 में मान्यता मिली थी। 1998 में टेरी विस्तृत अध्ययन स्कूल के रूप में स्थापित किया गया। संस्था को बाद में टेरी विश्वविद्यालय नाम दे दिया गया था। टेरी विश्वविद्यालय भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है, जो स्थायी विकास के लिए पर्यावरण, ऊर्जा और प्रकृति विज्ञान के अध्ययन के लिए समर्पित है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इस समिट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व सतत विकास सम्मेलन के 21वें संस्करण को संबोधन किया है। इन्होंने कहा कि 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान सतत विकास और पर्यावरण इनकी प्राथमिकता रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने जलवायु से संबंधित कार्यों के लिए विकसित देशों से आगे बढ़कर अपनी भूमिकाएं निभाने की अपील की है। उन्होंने बताया, जलवायु से जुड़े कार्यों के लिए पर्याप्त धन की जरूरत होती है। इसके लिए विकसित देशों को आगे बढ़कर वित्त और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए। पहले गुजरात में और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान सतत विकास और पर्यावरण इनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि भारत के दो और आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसके साथ ही देश में अब 49 रामसर स्थल हो गए हैं, और जो 10 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत के लोग हमेशा से प्रकृति के साथ सद्भाव के साथ रहते हैं। हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, दैनिक अभ्यास और उत्सव प्रकृति के साथ हमारे मजबूत बंधनों की तस्दीक है। सफल जलवायु कार्यों के लिए पर्याप्त फंडिंग की जरूरत है। इसके लिए विकसित देश आगे आकर वित्तीय फंडिंग करें और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें। और मोदी जी ने कहा, गरीबों तक समान ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमारी पर्यावरण नीति की आधारशिला रही है। बीजेपी सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के जरिए 9 करोड़ से अधिक घरों को भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन को सुनिश्चित कराया गया है। यही नहीं, बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया है। इस योजना के तहत इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा को किसानों तक पहुंचाने में काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि भारत एक विशाल विविधता वाला देश है। दुनिया की 2.4% जमीन वाले भारत के में जीवों की विविधता विविध प्रजातियां रहती हैं। भारत में दुनिया की लगभग 8% प्रजातियां हैं। इस विविध पारिस्थितिकी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारी सरकार अपने संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में मजबूत कर रही है। IUCN ने भी हमारी इन कोशिशों को मान्यता दी है। हमारा फोकस बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाना है। साल 2015 के बाद से हमने 11.5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि को उपजाऊ बनाने में काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि कई लोग कहते हैं कि हमारा ग्रह नाजुक है, लेकिन ये बताना चाहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमारा ग्रह नाजुक नहीं है, बल्कि हम ही नाजुक पड़ गए हैं, हम ही कमज़ोर पड़ गए हैं। हमारी प्रतिबद्धताएँ हम अपने ग्रह और प्रकृति के प्रति कमज़ोर रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस एलियंस के जरिए हमारा मकसद वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के सपने को साकार करना है। मौजूदा वक्त में हमें हर जगह विश्वव्यापी ग्रिड से स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी ताकत से काम करना चाहिए। और आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मंच पर बहुत कुछ कहा है, जो इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और क्या कहा। तो मैं वीडियो दिखाता हूँ। Namaste. I'm delighted to join you at the 21st World Sustainable Development Summit. Environment and sustainable development have been key focus areas for me all through my 20 years in office, first in Gujarat and now at the national level. Friends, we have heard people call our planet fragile, but it is not the planet
that is fragile. It is us. We are fragile. Our commitments to the planet, to nature, have also been fragile. A lot has been said over the last 50 years since the 1972 Stockholm Conference. Very little has been done. But in India, we have walked the talk. Equitable energy access to the poor has been a cornerstone of our environmental policy. Through Ujjwala Yojana, more than 90 million households have been provided access to clean cooking fuel. Under the PM Kusum scheme, we have taken renewable energy to the farmers. We are encouraging farmers to set up solar panels, use it and sell surplus power to the grid. Standalone solar pumps as well as efforts for solarizing existing pumps are being scaled up. Our focus on chemical-free natural farming will also help promote sustainability and equity. Friends, our LED bulb distribution schemes have been running for over 7 years. It has helped us to save more than 220 billion units of electricity and 180 billion tons of carbon dioxide emission per year. We have announced the setting up of the National Hydrogen Mission. It aims to tap into green hydrogen, an exciting technology to power our future. I encourage academic and research institutes like TERI to come up with sustainable solutions to realize the potential of green hydrogen. Friends, India is a mega diverse country. With 2.4% of the world's land area, India accounts for nearly 8% of the world's species. It is our duty to protect this ecology. We are strengthening our protected area network. The IUCN has recognized our efforts. The Arvali Biodiversity Park in Haryana has been declared as an OECM site for its effective conservation of biodiversity. I am also glad that two more wetlands from India have got recognition at Ramsar sites recently. India now has 49 Ramsar sites spread over more than 1 million hectares. Restoring degraded land has been one of our main focus areas. Since 2015, we have restored more than 11.5 million hectares. We are on track to achieve the national commitment of land degradation neutrality under the Bonn Challenge. We firmly believe in fulfilling all our commitments made under UNFCCC. We have also raised our ambitions during COP26 at Glasgow. Friends, I firmly believe, and I'm sure you would agree, that environmental sustainability can only be achieved through climate justice. Energy requirements of the people of India are expected to nearly double in the next 20 years.
Denying this energy would be denying life itself to millions. Successful climate action also need adequate financing. For these, developed countries need to fulfill their commitments on finance and technology transfer. Friend, sustainability requires coordinated action for the global commons. Our efforts have recognized this interdependence. Through the International Solar Alliance, our aim is one sun, one world, one grid. We must work towards ensuring availability of clean energy from a worldwide grid everywhere at all times. This is the whole of the world approach that India's values stand for. Friends, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI, aims to build strong infrastructure in areas prone to frequent natural disasters. On the sidelines of COP26, we also launch an initiative called Infrastructure for Resilient Island States. The island developing states are the most vulnerable and hence need urgent protection. Friends, to these two initiatives, we now add LIFE, L-I-F-E, Lifestyle for Environment. LIFE is about making lifestyle choice to improve our planet. LIFE will be a coalition of like-minded people